गजवाड़ है देहरादून से 3 घंटे 17 मिनट की दूरी पे, जिसे घिल्डियार गांव के नाम से भी जाना जाता है, और ये कालागढ़ रेंज ऑफ जिम कॉर्बेट है। तो आज हम जा रहे हैं अपने गांव, पहली बार हमारा पूछी भी जा रहा है और ये बहुत एक्साइटेड है। गाड़ी से अंदर मुंह निकालने को बिल्कुल रेडी नहीं है, मतलब विंडो को बंद ही नहीं करने दे रहा है, बस ये सोचता है विंडो खोल के बाहर ही रहें। और अब हम पहुँच रहे हैं हरिद्वार, गंगा जी दिखाई दे रही है, जय गंगा माता की, और ऊँची जो है फुल एंजॉयमेंट ले रहा है। और हम अपने गांव की तरफ जा रहे हैं, पहले तो वहाँ बिल्कुल कच्ची सड़कें थी, पर अभी 2 साल से पक्की सड़क बन गई है, ये तो अभी हरिद्वार ही है। और अभी थोड़ी देर में ही गांव के रास्ते की तरफ हम लोग निकल पड़ेंगे। हरिद्वार क्रॉस करने के बाद आता है कोटद्वार, फिर आता है दुगड्डा, दुगड्डा से 7-8 किलोमीटर आने के बाद हमारा गांव की रास्ता शुरू हो जाएगा। और अभी तो मैं पहली बार जा रही हूँ, वहाँ पर काफ़ी सालों के बाद सड़क बनने के, लो जी पहुँच गए अपने गांव। और ये मेरे भाई के दिखाई दे रहे सामने ट्रैक्टर भी खड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं गाँव में इतनी अच्छी पक्की सड़क बन गई है, और बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि पक्की सड़क बिल्कुल घर के आगे से ही निकल रही है, जो कभी सोचा भी नहीं था। और ये केले के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पापा जी का गांव है, जो मेरा मायका भी है, और बहुत सालों के बाद अपनी फुल फैमिली के साथ शादी के बाद मैं आ रही हूँ यहाँ पे दूसरी बार। ये लाल रंग की जो छत दिखाई दे रही है, ये हमारा घर है, और ये पूरा गाँव है, छोटे छोटे से घर हैं काफ़ी। और ये हमारे डॉग को भी बड़े सारे फ्रेंड्स मिल गए, ये हमारे गांव के प्रधान जी का कुत्ता है ये, और इसको आज गांव में फंक्शन भी है हमारे घर में, तो तैयारियां चल रही हैं और खाने वाना बन रहा है, और ये घर का फ्रंट वाला हिस्सा है, और ये बैक साइड है गांव की, और ये सामने हमारे चाचा जी का घर है। हरियाली इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि बारिशें हुई थी काफ़ी। और ये गांव के पिछला वाला हिस्सा है घर का, नीचे गौशाला वगैरह हैं, और पुराने ज़माने का बना हुआ घर है, 80-90 साल पुराना है। और मैं आपको लेके जाऊंगी फिर अपने चाचा के घर, जिन्होंने बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया है। ये हमारा पूछी शैबी के साथ खेल रहा है, मेरे ब्रदर का डॉग है, और ये ब्रदर ने मेरे यहाँ पर प्लांटेशन शुरू किया है आजकल, लेमन ग्रास फार्मिंग, उसके बारे में आपको बताऊंगी बाद में वीडियोस में। और कल हमारा फंक्शन है यहाँ पर, एक बहुत फेमस गोरखनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भी आपको लेके जाऊंगी, और नाथ परंपरा के जो संप्रदाय से जुड़े हुए थे मच्छिंद्र नाथ जी के शिष्य, उनका बहुत फेमस मंदिर है वो। और ये गाँव हमारा देख रहे हैं आप, ये खेती है, हमारे अमरूद लगे हैं, खूबसूरत सा बहुत ही बढ़िया सा अमरूद है। और ये अभी गांव में थोड़ा सा खेती शुरू हुई है अभी, कुछ लगाने के लिए हल्दी और अदरक वगैरह लगाया जाएगा, ये सारी लेमन ग्रास है यहाँ पर। ये मॉर्निंग वॉक के लिए हम लोग सुबह निकले हैं आज, सामने जो है लैंसडाउन की पहाड़ियाँ भी दिखाई देती हैं, सबसे खूबसूरत जगह है हमारे गाँव की, जहाँ से नदी दिखती है सामने, लैंसडाउन की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और यहाँ सुबह सुबह मंदिर से भजन की आवाज़ भी आती है, सुबह सुबह बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मन करता है यहाँ से हिले ही नहीं, यहीं पे ही बैठे रहे इस कॉर्नर पे। सब लोग गांव के लोग शाम को बच्चे वगैरह सब लोग इसी रोड पे आते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, ताकि और वीडियोज़ आपको दिखाऊँगी, गाँव का विज़िट कराऊँगी।